नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। आजमगढ़ मिशन शक्ति के तहत महिलाओं और किशोरियों को सुरक्षा का एहसास कराने के मद्देनजर शनिवार को शहर कोतवाली से महिला पुलिस कर्मी रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। नगर के कोतवाली से रैली को पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह व एसपी सिटी पंकज पांडे ने रवाना किया। रैली शहर कोतवाली से नगर पालिका चौराहा, पुलिस अधीक्षक और डीएम कार्यालय होते हुए कलेक्ट्रेट चौराहा से होते हुए पुणे नगर कोतवाली पहुंचकर समाप्त हुई। रैली में शामिल महिला सिपाही चौराहों के साथ भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रुककर महिलाओं को मिशन शक्ति के उद्देश्य के प्रति जागरूक किया। महिला सिपाहियों के हाथों में जागरूकता स्लोगन लिखी तख्तियां थीं, जिन पर महिलाएं हैं देश की तरक्की का आधार, उनके प्रति बदलो अपने विचार, नहीं सहना है अत्याचार, महिला सशक्तिकरण का यही है विचार। जब महिला में शक्ति होती है तभी राष्ट्र की उन्नति होती है। आदि नारों के माध्यम से महिलाओं को जागरूक किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि पुलिस आधी आबादी की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। मिशन शक्ति 3 के तहत शासन के निर्देश पर सभी थानों पर महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत हो चुकी है। एसपी ने कहा कि महिला हेल्पलाइन नंबर 1090-181-108-1076-112 व 1098 आदि टोल फ्री नंबरों पर अपनी शिकायत दर्ज कराने में किसी तरह का संकोच न करें। देखिए, आज से पूरे उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति का थर्ड फेज शुरू हुआ है और उसी में लखनऊ में एक ग्रैंड कार्यक्रम किया गया था। अभी आजमगढ़ में भी एक बड़ा कार्यक्रम किया गया था और उसी के क्रम में इस पूरे दिसंबर तक विभिन्न कार्यक्रम होंगे। उसी क्रम में आज ये जो हमारी महिला आरक्षीगण है उनके द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया ताकि जो महिलाएं हैं उन्हें संदेश दे सकें, उन्हें शिक्षित कर सकें और अपनी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, अपनी महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए और अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें और कानूनों को जाने, इसके लिए आज इस रैली का आयोजन किया गया और रैली अभी निकली है। सर, आपके द्वारा लगातार महिलाओं के ऊपर नए नए कार्यक्रम किए जा रहे हैं, क्या उसका? देखिए, हमारी आधी आबादी महिला है और महिलाओं को सबल बनाना है, महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है, महिलाओं को आत्मरक्षा करने का अधिकार जताना है। तो जितने भी कानून बनाए गए हैं, जितनी हेल्पलाइंस बनाई गई महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनका प्रचार प्रसार हो, महिला स्वयं आगे आके कहे कि मेरे साथ अगर कुछ हुआ है तो उसके बारे में सामने खड़ी हो, लड़े और दोषी को न्यायालय से सजा दिलाए, यही इसका उद्देश्य है। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।